Good morning, girls. How are you? Hope you are fine. Today is your online summarized video lecture. Today online class. Okay, the topic is my counting. I am telling about the counting. What is the counting? The digit is 1 to 9. हमारे पास जो digit formation है वो 0 to 9 हम start करते हैं, ठीक है? और आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगी कि हमने counting कहाँ से start करनी है. What is the counting and what is the digit? हमारे पास single digit पे counting आती है 1 to 9, ठीक है? तो हम आपको start करवाते हैं. Look at the board. आपने कैसे write करना, how to write the digits and how to read the numbers, ठीक है? And how to write number in words, कि आप इसको words में कैसे पढ़ते हैं, words में कैसे लिखते हैं, हम words में कैसे write करेंगे, digit में कैसे write करेंगे, digit and words का क्या difference है, ठीक है? और book page आपका 2 and 3 है. हम साथ-साथ book भी आपको मैं आपको बताऊंगी book pages पे कहाँ आपने कौन से write करना है, क्या चीज़ write करनी है, okay? हम book page भी करेंगे. सबसे पहले हम board को देखते हैं. Starting with the digit 1 to 9. 0 to 9 भी हो सकता है. 0 को means कि nothing. 0 हमारे पास वो digit है जो हमारे पास 0 में कुछ भी नहीं होता. जहाँ हमारे पास कोई चीज़, कोई things नहीं होती, वहाँ हम 0 put कर देते हैं, ठीक है? For example, एक table है. Table पे आपके पास कोई book, कोई duster, कोई chalk, कुछ भी नहीं है. तो it means किस टेबल पे इज नथिंग. तो हमारे पास टेबल पे कोई भी राइट नहीं, कोई चॉक्स नहीं, कोई बुक्स नहीं है. इट्स ज़ीरो, ठीक है? वहाँ पे कुछ नहीं है. हमारे पेज पे हमारे पास पेंसिल्स नहीं है. इट्स मीन कि पेंसिल्स नथिंग. तो वहाँ भी हम 0 पुट करेंगे. 0 हम वहाँ पुट करते हैं जहाँ हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती, कोई डिजिट नहीं हो, सॉरी, कोई थिंग्स नहीं होती. ओके, लुक एट दिस 0. इट्स लाइक अ ओवल शेप, ठीक है? हम जब 0 राइट करते हैं तो ये ओवल शेप में होता है, नॉट इन अ सर्कल, ठीक है? सर्कल में आपका ओ आ जाता है, ये सर्कल शेप आती है. बट 0 इज़ लाइक अ ओवल शेप एंड 0 इज़ नथिंग. 0 की कोई वैल्यू नहीं है. 0 इज़, लेकिन ये डिजिट के साथ लग के इसकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है? बट 0 अकेला इसकी कोई वैल्यू नहीं है. 0 इज़ नथिंग. ओके डियर्स, वी ड्रॉ सम थिंग्स फॉर अबाउट डिजिट, कि हमारे पास जितनी थिंग्स होंगी हम उतनी डिजिट्स राइट करेंगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, लुक एट द फर्स्ट. आपके पास 1 है तो हमने क्या राइट किया, ड्रॉ किया हुआ 1 एप्पल, ठीक है? 1 है तो हमारे पास 1 के साथ 1 एप्पल देयर, बिकॉज 1 थिंग है तो हम 1 राइट करेंगे. अनदर इज काउंटेड, हाउ मैनी बॉल्स, या 1 2, वी राइट 2, ठीक है? हमने डिजिट राइट किया और हम साथ साथ में राइट भी करना आपको. स्ट्रेट 1 है हमारे पास, स्ट्रेट 1 हम राइट करेंगे, ठीक है? वी राइट 1. अनदर डिजिट इज 2. लुक एट द राइट 2. 2 आप में टर्न करके एंड देन स्ट्रेट. टॉप वाली लाइन पे आपका डिजिट टच नहीं होगा. ओके, हाउ मेनी पेंसिल्स काउंटेड, 1 2 3. आई हैव 3 पेंसिल, वी राइट डिजिट इज 3. ये आपके पास डिजिट कहलाते हैं. जो हम नंबर्स राइट करते हैं इट्स अ डिजिट. ओके, इट्स लाइक अ 3. ओके, हाउ मेनी ट्राइंगल्स, 1 2 3 4. लुक एट द ट्राइंगल्स, हमारे पास कितने ट्राइंगल्स है, 4. वी राइट 4. हाउ वी राइट 4, लुक एट स्ट्रेट लाइन, देन स्ट्रेट लाइन एंड अगेन स्ट्रेट लाइन. ओके, नाउ हाउ मेनी लीव्स, 1 2 3 4 5. कितने लीव्स हैं हमारे पास, 5 लीव्स हैं. हमने डिजिट कौन से राइट किया हुआ है, 5. एंड हाउ वी राइट दिस डिजिट, स्ट्रेट लाइन, देन अगेन स्ट्रेट लाइन, देन कर्व. ये उल्टा सी भी आप कह सकते हैं, ठीक है? इस तरह आपने 5 राइट करना है. तो हमने यहाँ पे जो चीज़ें ड्रॉ की थी उनको काउंट करके हमने यहाँ डिजिट पुट की है, ठीक है? इसी तरह आप डिजिट लिखे होंगे, आप कुछ चीज़ें ड्रॉ करेंगे. 1 है तो अपनी मर्ज़ी से 1 एप्पल ड्रॉ कर सकते हैं, 1 बॉल भी ड्रॉ कर सकते हैं. जहाँ आपको ड्रॉ कहा जाएगा वहाँ आप ड्रॉ करेंगे. जहाँ आपको डिजिट पुट करने के लिए कहा जाएगा कि काउंट एंड राइट द डिजिट, राइट इन वर्ड्स, तो आप वहाँ पे राइट करेंगे. ओके, ओके, अब हमने 5 डिजिट राइट कर लिए. नाउ वी राइट देन अनदर डिजिट इज 6. लुक एट द स्टार, हाउ मेनी स्टार्स, 1 2 3 4 5 6. आप पर स्टार्स काउंट करेंगे जो आपके पास जो थिंग्स बनी हुई हैं. फॉर एग्जांपल, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट बनेगा उसको आपने सबसे पहले काउंट करना है. काउंट करने के बाद आप देखें आपके पास कौन सा डिजिट आता है, देन यू राइट द डिजिट. एंड हाउ टू राइट द 6, लुक एट दिस.
आप पहले इसको कर्व करेंगे स्लांट में, ठीक है, फिर इसको यहाँ से इस साइड से टर्न करके इस सर्कल को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इस सर्कल को जब आप कंप्लीट कर देंगे तो आपके पास ये सिक्स राइट हो जाएगा। बोथ स्मॉल बी, बास गर्ल्स बिल्कुल इसको बी राइट कर देती हैं, डोंट राइट द बी, ओके। इस टर्न इसको आप स्टार्ट करके उसको सर्कल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बी स्ट्रेट उसमें आता है, लेकिन सिक्स की लाइन जो है वो थोड़ी स्ट्रेट स्लांट होती है, ओके। नाउ अनदर डिजिट इज सेवन एंड ओके। नाउ लुक, वी हैव हाउ मेनी काइट्स, वी हैव सेवन काइट्स। लुक एट दिस काइट्स, काउंटेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। How many kites? 7 kites. And how we write 7? Straight lines. 7 बहुत ईजी है गर्ल्स, लेकिन उसकी लाइन्स जो है वो बहुत अनटाइडी आप लोग राइट करते हैं, ठीक है। लुक एट, कोई गर्ल्स स्ट्रेट कर देती हैं, लिटल बिट स्लांट। आपके पास 7 जो है वो लिटल बिट स्लांट होगा, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा। फर्स्ट लाइन इज स्ट्रेट एंड अदर लाइन इज लिटल बिट स्लांट। जो गर्ल्स इस तरह 7 राइट करती हैं, इट्स अ रॉन्ग 7, क्योंकि इस तरह 7 राइट नहीं करते। आप स्ट्रेट लाइन लगाएं, देन लिटल बिट स्लांट, थोड़ा सा आपका ये 7 की लाइन जो है वो स्लांट होगी, ठीक है। और हमारे पास क्या डिजिट राइट हुआ है, 7। आना देखिए, इस 7 को हम राइट नहीं करेंगे, देन ये हमारे पास कट हो जाएगा, ठीक है, इट्स अ रॉन्ग 7। नाउ लुक एट द 8, हाउ मेनी फ्लावर्स, काउंटेड। अब देखिए, जितने फ्लावर्स होंगे वो हम डिजिट राइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कितने फ्लावर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाउ मेनी फ्लावर्स, 8, ठीक है। हमारे पास 7 काइट्स थी और अब हमारे पास 8 फ्लावर्स हैं, एंड वी राइट 8। और 8 हम कैसे राइट करेंगे, लुक, स्मॉल सर्कल, नो, सेम सर्कल, कोई स्मॉल सर्कल और बिग सर्कल का यहाँ नहीं है। आपने 8 के लिए दोनों सेम सर्कल, समटाइम्स गर्ल्स स्मॉल सर्कल एंड बिग सर्कल, इट्स लाइक अ आंट, ये तो आंट की बॉडी हो जाती है। नो, आपके पास सेम 8 के जो हैं सेम सर्कल्स आएंगे, ठीक है, और ऊपर वाली लाइन टच नहीं होगी। तो चौक से मेरी लाइन टच हो गई है, बट यू डोंट टच द लाइन, ओके। वी राइट 8 इन सेम सर्कल्स। मैं अगेन राइट कर देती हूँ, लुक दिस एंड दिस वन, ठीक है। और ये वाला 8 इस तरह नहीं कि स्मॉल सर्कल और बिग सर्कल, नो, ओके। लुक एट द 9, हाउ मेनी स्क्वेयर्स। ये आपके पास एक बॉक्स शेप है और बॉक्स शेप हमारे पास स्क्वेयर शेप में आती है, ठीक है, स्क्वेयर शेप है। और ये स्क्वेयर शेप्स कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाउ मेनी स्क्वेयर शेप्स, 9, ठीक है। हमारे पास कितनी स्क्वेयर शेप्स है, 9। एंड हाउ वी राइट 9, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऊपर टॉप लाइन को हम टच नहीं करेंगे, देन सी, स्मॉल सी होते हैं उसको आप इसके साथ टच कर दें, देन वी हैव 9। और 9 का फेस जो है वो थोड़ा बिग होता है, ये स्मॉल 9 जो है इस तरह के, इट्स नॉट अ करेक्ट, इट्स अ रॉन्ग, ठीक है। हाउ वी राइट 9, स्ट्रेट लाइन एंड स्मॉल सी टू कंप्लीट द 9। हमारे पास काउंटिंग में हमने 10 मेंशन नहीं किया था, बट मैंने आपको 9 के पास 10 इसलिए बताया कि वी स्टार्ट अ डबल डिजिट। अभी तक हमारे पास 0 to 9 जो है वो हमारे पास सिंगल डिजिट थे, एंड वी राइट द अदर इज 10 इज डबल डिजिट। फिर आपके पास ये 10 जो है डबल डिजिट में आता है, 0 के कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको 10 राइट करवाया कि जब 0 अकेला होता है देन 0 इज नथिंग, बट जब उसके साथ कोई भी नंबर मिल जाता है देन 0 इज हीरो। तो हमारे पास 0 जो है वो हीरो हो जाता है। हमारे पास ये 1 जो है इसके साथ मिलके ये एक नंबर वैल्यू बनाता है 0 की, ठीक है, 0 इसके साथ मिलके फुल एक वैल्यू बन जाती है। हमारे पास हाउ मेनी ट्रीज, अब ट्रीज को काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाउ मेनी ट्रीज, 10, एंड वी राइट 10। 10 लिखना बहुत ईजी है, बट 0 इज राइट इन ओवल शेप, ठीक है, 0 को तो है आप ओवल शेप में लिखेंगे, नॉट इन दिस वन सर्कल, ऐसे 10 नहीं राइट करेंगे, ठीक है। हम ओवल शेप में 0 और 1 तो आपके पास है ही स्ट्रेट, ठीक है। दिस इज अ काउंटिंग, जो हमारी मेन काउंटिंग है स्टार्टिंग की, वो आपके पास ये है 0 to 9
ठीक है, सिंगल डिजिट जो स्टार्ट होते हैं आपके सारे नंबर जो हैं इसी तरह स्टार्ट होते हैं। ओके नाउ गर्ल्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक था काउंटिंग, जो हमने 0 to 9 तक आपको डिजिट समझाए थे, ठीक है, और 10 भी हमने राइट किया था। नाउ वी टर्न द नंबर इन वर्ड्स। अब आपके जो डिजिट हमने राइट किए हैं अब हम उनके नंबर्स राइट करें, सॉरी वर्ड्स, उन नंबर्स के हम वर्ड्स राइट करेंगे, मतलब उसकी स्पेलिंग, ठीक है। जो डिजिट है उसको हम इंग्लिश में स्पेलिंग्स में कैसे राइट करते हैं। बुक पेज नंबर आपका है 5 and 6, 5 and 6 पे आप में काउंट करना है एंड देन राइट द स्पेलिंग। पहले आप में डिजिट राइट करना है एंड देन बुक पेज नंबर 5 and 6 यू राइट द डिजिट प्लस स्पेलिंग्स। आप काउंट करेंगे, फर्स्ट यू राइट डिजिट एंड द सेकंड वन यू राइट द स्पेलिंग्स। ओके नाउ द फर्स्ट वन इज 0, 0 आपके पास राइट है, बुक पेज नंबर 5 पे सारे राइट है एंड बुक पेज नंबर 6 पे आपके पास स्टार्टिंग आपके पास 2 लाइंस एम्प्टी है एंड अदर इज ऑब्जेक्ट आपके पास बने होंगे, आप उसको काउंट करेंगे एंड देन राइट यू फर्स्ट डिजिट एंड द स्पेलिंग्स। फर्स्ट यू राइट 0, ठीक है, 0 की स्पेलिंग राइट है एंड 0 आपका डिजिट भी है। 0 इज़ नथिंग, जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है तो वहाँ हम 0 पुट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास 0 के सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ, कोई शेप नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो हमने इसको स्पेलिंग्स में 0 राइट किया है। एंड देन फर्स्ट वन इज़ 1, द स्पेलिंग ऑफ 1 इज़, हमारे पास स्पेलिंग ऑफ 1 क्या है, वी काउंट कि हमारे पास 1 एप्पल है, हमने 1 राइट किया हुआ है एंड देन द स्पेलिंग ऑफ 1 इज़ O N E 1, ठीक है। हमारे पास स्पेलिंग है, स्पेलिंग ऑफ 1 इज़ O N E 1, स्पेलिंग ऑफ 1 इज़ O N E 1। ओके स्पेलिंग ऑफ 1 हमारे पास जो है, जो हमारे पास ने 1 डिजिट लिखा हुआ था उसकी स्पेलिंग है O N E 1। क्लियर। नाउ द सेकंड 1 डिजिट इज 2, हाउ मेनी बॉल्स, 2, वी राइट 2, द स्पेलिंग ऑफ 2 इज TWO 2, ठीक है। और हम उसे कैसे राइट करेंगे, लुक एट दिस TWO 2, वी राइट TWO 2। आप स्मॉल लेटर्स में भी राइट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास स्मॉल लेटर्स हैं, वी राइट बिग कैपिटल लेटर्स बट यू राइट इन स्मॉल लेटर्स ऑन बुक। ओके ओके स्पेलिंग ऑफ 2 इज TWO 2। नाउ द काउंट इज, काउंट करें पेंसिल्स को, 1 2 3, द डिजिट इज 3 एंड द स्पेलिंग ऑफ 3 इज THREE 3। वट इज द स्पेलिंग ऑफ 3, स्पेलिंग ऑफ 3 थोड़ी डिफिकल्ट है तो उसको आप प्रॉपरली याद किया करें, ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग ऑफ 3 अक्सर मिस्टेक हो जाती है। THREE 3, वट इज़ द स्पेलिंग, THREE 3। ओके स्पेलिंग ऑफ 3 हो गया, हमने 1 राइट किया, देन वी राइट 2, देन वी राइट 3, ओके द टर्न इज 4, हाउ मेनी ट्राइंगल्स, 4, वी राइट 4 एंड द स्पेलिंग ऑफ 4 इज FOUR 4, what is the spelling of 4, FOUR 4, spelling of 4 is FOUR 4, FOUR 4. Now the turn is 5, हाउ मैनी लीव्स, फर्स्ट यू काउंट, जरूरी नहीं वहाँ लीव बने होंगे, फॉर आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट हो फर्स्ट ऑफ ऑल यू काउंट, राइट द डिजिट एंड द स्पेलिंग्स। नाउ द 5 इज 1 2 3 4, 5 लीव्स एंड द स्पेलिंग ऑफ 5 इज FIVE 5, लुक एट दिस स्पेलिंग, FIVE 5, द स्पेलिंग ऑफ 5 FIVE 5, ओके वी हैव डन 5 नंबर्स। ओके नंबर इन वर्ड्स हमने 5 राइट कर लिए, नाउ द टर्न द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज 6, हाउ मेनी स्टार्स, 1 2 3 4 5 6, यू काउंट द स्टार्स एंड देन यू राइट 6 एंड द स्पेलिंग ऑफ 6 इज, वी राइट इन दिस साइड बट यू राइट द फ्रंट ऑफ दिस डिजिट 6, ओके SIX 6, द स्पेलिंग ऑफ 6 इज SIX 6, ठीक है। मैं आपको बार बार कहूँ यू राइट ऑन बुक इन स्मॉल लेटर्स, ओके द नेक्स्ट डिजिट इज 7,
What is this? Seven. And the, how many kites? Seven kites. We have seven kites, and the spelling of seven is S-E-V-E-N, seven. Okay, look at the spelling of seven. S-E-V-E-N, seven. S-E-V-E-N, seven. Spelling of seven. You look at the spelling of seven. Okay, the next one is eight. How many flowers we have? We have eight flowers, and the, we write eight, and the spelling of eight is E-I-G-H-T, eight. Spelling of eight bhi thodi tough hoti hai, aksar girls T-H write kar leti hai. So, aap carefully write kya kare, E-I-G-H-T, eight. Look at this, E-I-G-H-T, eight. We have eight flowers, we write digit of eight, and the spelling of eight is E-I-G-H-T, eight. Now the turn is the last one spelling. How many squares? Nine squares. How many squares? We have nine squares. We have write to nine, the digit of nine, and the spelling of nine is N-I-N-E, nine. What is the spelling of nine? N-I-N-E, nine. Look at this. N-I-N-E, nine. This easiest spelling of nine. N-I-N-E, nine. Okay? We have nine spellings. And the last one is ten. Aapke paas book mein ten nahi hai, but we write ten. The spelling of ten is most easiest spelling. Aapke paas sabse easy spelling one or ten ke hain. ठीक है, T-E-N, ten, टेन. ठीक है, आपके पास जो है, बट यहाँ राइट नहीं है बिकॉज आपकी बुक में नाइन तक स्पेलिंग है. देन वी हैव डन इन नाइन स्पेलिंग्स. ओके, इट्स अ नंबर इन वर्ड्स. इसको आप क्या कहते हैं, नंबर इन वर्ड्स. वी हैव राइट इन डिजिट, और डिजिट की जो स्पेलिंग है उनको कहा जाता है वर्ड्स. ठीक है, हमने नंबर्स को किस में लिखा है, वर्ड्स में, स्पेलिंग्स में. नंबर इन वर्ड्स इसे कहा जाता है. क्लियर, we have again drill the spellings. ठीक है, one time हम more spellings को drill करते हैं, and then we write in book, जो book पे page number है, then we explain it. okay, the spelling of zero, you don't write the spelling of zero, it's already done in book. The spelling of one, O-N-E, one. Spelling of one is, you write in digit 1, and spelling of 1 is O-N-E, 1. Okay, the next one is 2. Spelling of 2 is T-W-O, 2. Okay, the next one is 3. 3, T-H-R-E-E, 3. We have 3 pencils, we write 3 digit, and the spelling of 3 is T-H-R-E-E, 3. We write in words. Okay, spelling of 4, F-O-U-R, 4. Okay, we have 4 triangles, we write 4, and the spelling of 4 is, okay, F-O-U-R, 4. Okay, the next one is spelling of 5, you write 5, and spelling of 5 is F-I-V-E, 5. Okay, the next one is 6, S-I-X, 6, S-I-X, 6. Okay. The spelling of 6 is S-I-X, 6. Okay, now the turn is spelling of 7. S-E-V-E-N, 7. Spelling of 7 means it's difficult. You have double E, so write it carefully. S-E-V-E-N, 7. The spelling of 8 is E-I-G-H-T, 8. Okay, the spelling of 9 is N-I-N-E, 9. These are the number in words, nine digit ke humne words write kiye, theek hai, spellings. Okay, the book page number is 2. It's a counting 1 to 9. Look at the aapke finger ke through, let's count and read. Hum count karenge aur just isko read karenge, theek hai? Look at this. Aapke paas one finger open hai, then the one teddy bear. We write 1, theek hai? Now count it, how many fingers? 2. We write 2. How many aeroplanes? 2 aeroplanes. Okay? Then we write how many fingers? We take 3 fingers. Write 3, and then 3 dog. Okay? The next one is how many? We take 4 fingers, and how many cars? Counted 1, 2, 3, 4. We have 4. Okay, the page number 3 is
The 10 is 5. We have 5 fingers and we have 5 toys. 1, 2, 3, 4, 5. We write 5. Now take out your 6 fingers. We have 5 fingers in one hand. Another is 1. Okay? So, hamare paas 6 fingers total ho jayengi. And what we write? 6. The next one is 7. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We counted 7 toys and we write 7. How many balls? We take out 8 fingers, one hand in 5, another hand is 3. We write 8. And the ball count karein balls ko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We have 8 balls. The next last one is 9. And count this toy trucks. It's a 9. Okay, we write 9. Look at this page, number is 0. How many apples are there on? आपको जिसे कहा गया कि इस ट्री पे कितने एप्पल्स हैं? There is no apples on the tree. इस ट्री पे कोई भी एप्पल्स नहीं है. तो this one is कि जहाँ कुछ नहीं होता, nothing होता है, तो वहाँ हम zero put करते हैं. ठीक है? तो ये आपको zero का concept है. There is no apple on the tree. It's mean there are zero apples. जब कुछ नहीं होता हमारे पास, तो वहाँ हम numbers की उसमें zero write करते हैं. Look at this. This is zero and this one is no picture, no mango. तो हमारे पास ना picture है, ना कोई object है. We write zero. We have one mango. We write one. Two mangoes, we write 2. Okay, look at this one. Number in words is a 5, page number 5. Aapke paas yahan objects given hain, theek hai? You count this object and look at this numbers. Aapko phir numbers given hain and the spellings. जो आपके स्पेलिंग्स है डिजिट के, वो आपको यहाँ राइट हैं सारे. अगर आपको ना आए तो आप लोग इस पेज को देख के नेक्स्ट पेज डन कर सकते हैं. ठीक है? लुक एट दिस पेज. Count the object and write. आपने उसी तरह page number 5 की तरह page number 6 पे आपने ये done करना है. ठीक है? Count it. देखे यहाँ पे कोई object नहीं बना हुआ, कोई picture नहीं है. This one is 0 and we write 0. Look at this. One gift box. We write 1 and you write the spelling of 1. इसी तरह आपने full page को count करना है. Then you write digit and this one line is you write spellings. Okay? We have meet in next class. Okay, girls. Inshallah. Allah Hafiz. Take care.